से मैं हूँ सदर ने दुनिया को खबरदार किया है कि दुनिया में एटमी हमले के खतरा बढ़ते जा रहे हैं एक बड़ी जंग होने वाली है अमरीकी फौजी अफसर का दावा अमरीका ने रूस से पाबंदियां उठा ली हैं पूरी दुनिया के ममालिक को रूस से तेल लेने की इजाज़त दे दी है यूक्रेन की जंग में एक बार फिर शिद्दत आ गई है यूक्रेन जंग से यूरोप में महंगाई पर स्पीन में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं लंदन में महंगाई के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी अपनी इकतदी बहाली को लेकर तश्श का शिकार हो चुकी है अमेरिका दुनिया भर में अपनी मुनाफाना चालों और पॉलिसियों की वजह से पहचाना जाता है और इसकी एक और मिसाल रूस यूक्रेन तनाजे में सामने आई है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के आला रूसी अहदेदारों से खुफिया रबे और अब खबरें तफसील के साथ चीन के सदर ने कहा है कि एटमी जंगें नहीं होनी चाहिए और आलमी कुतें यूरोप और एशिया में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल को रोकें चीन के सदर ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल से मुलाकात के दौरान रूस और यूक्रेन जंग के एटमी जंग में तब्दील होने के केमकान पर तश्वीश का इजहार किया है चीन के सदर का कहना है कि आलमी कुतें जोहरी जंग की धमकियों की मजम्मत और मुखालफत करते हुए यूरोप और एशिया में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल को मुश्तरक तौर पर रोकने के लिए इकदाम करें सदर पोतन ने सितंबर में कहा था कि अगर रूसी इलाकों बशमूल यूक्रेन के गैर कानूनी तौर पर अल्हा किए गए इलाकों को नीटो अफवाद की तरफ से ख़तरा लाक हुआ तो वो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोच सकते हैं रूसी सदर ने यह भी कहा था कि नीटो ममालिकहरी ब्लैक मेलिंग और रूस को तबाह करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं ताहम नीटो ने इन अल्ज़ाम की सख्त अल्फाज में तरदीद की थी अमेरिका के एटमी कमांडर का कहना है कि यूक्रेन की जंग एक आगाज है और एक बड़ी जंग होने वाली है सहार न्यूज के मुताबिक अमेरिका की कमांड के सरबराह रिचर्ड ने कहा है कि रूस की जंग एक आगाज है और बड़ी जंग अभी होने वाली है फारस खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह चार्लिस रिचर्ड ने जो कि रूस के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम की निगरानी के भी इंचार्ज हैं का कहना है कि यूक्रेन में जंग एक हैंड आउट है और एक बड़ी जंग होने वाली है डेली मेल के मुताबिक रिचर्ड ने एक तकरीर में दावा किया कि चीन एक नज़दीकी मसला है और जैसा कि मैं चीन के खिलाफ दिफाई सतह का अंदाज़ा लगा रहा हूं, इस हिसाब से अमरीकी जहाज जहाज़ डूब रहे हैं अमरीका के इस सीनियर फ़ौजी अफसर ने मजीद कहा कि ये जहाज़ आहिस्ता आस्ता डूब रहे हैं लेकिन बहरहाल ये डूब ही रहे हैं क्योंकि चीन हमसे काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है इनका कहना था कि अमरीकी फौज के हाथ पैर बंधे हुए हैं इनका रद्द अमल कमज़ोर है और इसे शदीद मालियाती किल्लत के खतरे का भी सामना है और इसके दुश्मन इस पर काबू पा चुके हैं उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी फौज को 1950 और 1960 की दहाइयों की ताकत को बहाल करना होगा इस अमरीकी अहदेदार ने यह भी कहा कि यूक्रेन का बहरान जिसमें हम फंसे हुए हैं सिर्फ एक मुकदमा है एक बड़ी जंग अभी रास्ते में बाकी है और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि हमें ऐसे इलाकों में भी जंग की चिंगारी का मुशाह होगा जिसे तवील अरसे से हमने नहीं देखा है अमेरिका का कहना है कि हर मुल्क रूस से तेल दरामद करने के लिए आज़ाद है अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने एक सवाल में बताया कि दूसरे ममालिक रूस से पेट्रोलियम मसनूआत की दर आमदाद पर फिलहाल पाबंदी नहीं है अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान से ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान और दीगर ममालिका रूसी तेल दरामद कर सकते हैं जैसे हिंदुस्तान कर रहा है जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका वाज तौर पर कह चुका है कि हर मुल्क को रूस से तेल की दरामदाद का फैसला अपने अपने हालात को देख कर करना होगा ताहम तर्जमान महकमा खारजा ने निशानदेही की कि अमरीकी महकमा खजाना पहले ही एक आम लाइसेंस जारी कर चुका है जो मंजूर शुदा रूसी बैंकों के साथ तेल की खरीदारी के लिए लैन देन की इजाज़त देता है लिहाजा ऐसी अदायगियाँ जारी रह सकती हैं तर्जमान का मजीद कहना था कि मौजूदा अमरीकी पाबंदियाँ जो साल के आगाज़ में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद लगी थी इनमें तोानाई तजारत और नकलोहमल से मुतल अदायगियों के तरीक़ाकार में तब्दीली करते हुए कदर सख्तियाँ की गई थीं अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद रूस को तेल बरामद करने वाला एक बड़ा फरोख्त कुनंदा बनाने से रोकना था अमरीकी वजारत खारजा ने यह भी बताया कि हिंदुस्तान और यूरोपी इतिहादियों समेत शराकत दारों के साथ बातचीत जारी है ताकि रूसी सदर वलादिमिर पुतन के यूक्रेन पर हमले से आलमी मनियों पर पड़ने वाले असरात को कम किया जा सके रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत की खबरों के दरमियान रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि कई सेक्टरों पर यूक्रेनी फौजियों के हमले नाकाम और सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों और उनके अमरीकी और बरतानवी इतिहादी को फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया है रूसी वजारत दिफा के तर्जमान एगोर कनाशनकोफ ने बताया कि पिछले चंद रोज के दौरान जंग यूक्रेन के मुख्तलिफ महाज़ों पर कई हमलों को नाकाम बनाया गया है और कम से कम सात सौ यूक्रेनी फौजी यूक्रेनी इंतहा पसंद और इनके गैर मुल्की साथी मारे गए हैं जिनमें चालीस अमरीकी और बरतानवी फौजी भी शामिल हैं एगोर कनाशनकोफ का कहना है कि जमहूरिया दोनों सिख में एक असला गोदाम को भी तबाह कर दिया गया है जिसके नतीजे में वहां मौजूद साढ़े तीन सौ से जायद अमरीकी हमारिस और सामर्च मिसाइल तबाह हो गए हैं रूसी वजारत दफा के तर्जमान के मुताबिक इस दौरान होने वाले लड़ाई में कम से कम सत्तर यूक्रेनी ड्रोन तैयारे भी गिराए गए हैं रूसी वजारत दफा के तर्जमानगोर कनाशनकोफ ने मजीद कहा कि यूक्रेनी फौज ने जमहूरिया लोगानसिक में कोबियॉन्सिक सेक्टर पर हमारे मोर्चों को हटाने की कोशिश की जिसे पूरी तरह नाकाम बना दिया गया है उन्होंने ये भी कहा कि डोनसिक की जानब पेशकदमी करने वाले यूक्रेनी दस्ते को भी नाकामी का सामना करना पड़ा है और इसके कम से कम सत्तर फौजी इस जंग में मारे गए हैं रूसी वजारत दिफा के तर्जमान के मुताबिक निकोलास गिर रोग सेक्टर पर भी दुश्मन की पेशकदमी को रोक दिया गया है जबकि खैरसोन पर यूक्रेनी फौज ने दोबारा हमले की नाकाम कोशिश की है ताहम इसे अपने पचास फौजियों की जानें गिनवाते हुए इलाके से पस्पा होना पड़ा दूसरी जानब खैरसोन के महत्मा एमरजेंसी ने बताया है यूक्रेनी फौज ने अमेरिका के फरहम करदा हमार्स मिसाइलों से शहर को निशाना बनाया है ताहम रूसी फौज ने चार मिसाइलों को फजा में निशाना बनाकर तबाह कर दिया जबकि दो मिसाइल एक बस अड्डे पर गिरे हैं यूक्रेन की जंग अपने वसी सियासी फौजी इकतसादी समाजी और याफती असरा के साथ नवें महीने में दाखिल हो गई है और मगरबी मुल्कों की जानब से असलह की तरसील की वजह से तोल पकड़ती जा रही है मगरबी ममालिक और ख़ास से अमरीका ने सिर्फ ये कि जंग यूक्रेन के खात्मे के लिए अमली कदम नहीं उठाया बल्कि रूस के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए पाबंदियों में इजाफा और यूक्रेन को हर किस्म के हल्के और भारी हथियार फराहम करके इस जंग को मजीद तोल दे रहे हैं रूस बारहा ये ऐलान कर चुका है के मगरबी मुल्कों की जानब से यूक्रेन को हथियारों की फरहमी से तनाजा तुल पकड़ेगा और इसके गैर मुतव नतज बरामद होंगे स्पेन के अवाम रोज़मर्रा के अखराज में इजाफे और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं दारालकूमत में डर्ड के सड़कों सड़कों पर होने वाले ऐसे ही एक मुजाहरे में कई हज़ार लोगों ने शिरकत की महंगाई के खिलाफ इस मुजाहरे की अपील स्पेन की लेबर यूनियन ने की थी सप्पिन की लेबर यूनियनों ने हकूमत और आजरीन से अफरात जर्क की ऊंची शराह को मद्द नज़र रखते हुए तनख्वाहों में माकूल इजाफे का मुतालबा किया है वाजह रहे कि दीगर यूरोपीय मुल्कों की तरह सपिन को जंग यूक्रेन की वजह से अशियाए सर्फ़ की कीमतों में इजाफे और कुत खरीद में कमी जैसे मसाइल का सामना है लंदन में महंगाई के खिलाफ कई हज़ार अफराद ने एहताजी मुजाहरा किया और हकूमत को नाकाम बताते हुए कबल अज वक्त इंतबात का भी मुतालबा दोहराया कई हज़ारों हज़ारों बरतानवी शहरीों ने वस्ती लंदन में एक एहतजाजी मुजाहरा मार्च में शिरकत करके बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी की मुजाहन का कहना था कि हकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है इसलिए फौरी तौर पर इंतबात कराए जाएँ मुजाहरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर हक, जमात से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया था इस रिपोर्ट के मुताबिक अपोजीशन लेबर पार्टी के सबक रहनुमा जेरमी कोर्बन और ब्रिटिश रोड ट्रांसपोर्ट मेरी टाइम और रेलवे ट्रेड यूनियन के सरबराह मेक लंच समेत मारूफ शख्सियात ने भी एहतजाज में शिरकत की बरतानिया के हालिया इकतदी बहरान और नए वजी आजम रशी सोनिक की दरपेश चैलेंजों के बारे में कहा जा रहा है कि बरतानिया की नर्सें भी मुल्क की हड़ताल का मनसूबा बना रही हैं इससे कबल बरतानवी यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन ने भी अखराज में इजाफे के खिलाफ एहतजाजन हड़ताल शुरू करने का एलान किया था बरतानिया इस वक्त सख्त मुआशी और सियासी बहरान की लपेट में है जिसकी वजह से सबक वजी अजम लेज्रेस नेहदा संभालने के सिर्फ तैतालीस दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था और इस किस्म के सूरत का अब नए वजीर आजम रशीद सोनिक को भी सामना करना पड़ रहा है एक सर्वे से पता चला है कि यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी अपनी इकतदी बहाली को लेकर तश्वीश का शिकार है और गुर्बत की वजह से खौफ जदा है यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों और रूस के खिलाफ आयद पाबंदियों ने बहुत से यूरोपी बाशिंदों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी हैं ये पाबंदियाँ अशिया और एनर्जी की कीमतों में इजाफे का सबब बनी हैं जिससे इकतदी माहरीन भी मुस्तबिल में दुनिया बिलखसूस यूरोपी बाशिंदों की मीशत को लेकर फिक्रमंद हैं ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर का कहना है कि रूस और यूक्रेन के माबे जंग के बास खाने पीने की अशिया और एनर्जी की कीमतों में इजाफे से दुनिया भर में चार करोड़ अफरादत का शिकार हो सकते हैं यूरोप में इस वक्त महंगाई कदम जमा चुकी है और लोग एक दुशवार मौसम में सरमा के इंतजार में हैं रिपोर्ट के मुताबिक इटली में दो तिहाई लोग इसका शिकार हैं हर तीन यूरोपी बाशिंदों में से दो के पास किसी तरह से नहीं है और ये सूरत हाल यूनान में अठासी फीसद तक पहुँच चुकी है फ्रांस में होने वाले एक सर्वे से पता चला है कि वहाँ के बासठ फीसद अवाम ने मुशी और माली मुश्किल के बायस अपनी कम आमद आमद को, मजीद आमद आमदनी को कम होते हुए या फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मदद की दरख्वास्त की है अमेरिका दुनिया भर में अपनी चालों और पॉलिसियों की वजह से पहना पहचाना जाता है इसकी एक मिसाल यूक्रेनी तनाज़ में सामने आई है अमरीका जो बजाहिर रूस के खिलाफ मजामत पर यूक्रेन की हौसला अफजाई कर रहा है लेकिन अंदरून खाना यूक्रेन को सदर वलादिमिर पुतिन से मुकर का मशवरा भी दे रहा है वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने अंदरून खाना मुलाकातों में यूक्रेन को मशवरा दिया है कि वो सदर पुतिन के इक्तदार से हटने तक मुत मुझा, से काम चलाने की कोशिश करें वाशिंगटन पोस्ट को नाम न ना जाहिर करने की शर्त पर जरा ने बताया कि अमरीका ने यूक्रेन को कहा है कि रूसी सदर पुतिन से मुकर के लिए बर वक्त खुद को तैयार जाहिर करें और उन्हें में ही मशगूल रखें जब तक रूसी सदर अपने अहदे से दोष नहीं हो जाते अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा गया है कि अमरीकी हुकाम ने अपने यूक्रेनी हम मनसूबों को रूसी सदर को के फिलहाल मुजाकर के हवाले से संजीदा न होने से भी आगाह किया है ताहम यह भी तस्लीम किया गया कि यूक्रेनी सदर वलादीमिर जेलनस्की और वलादीमिर पुतन के दरमियान बातचीत की बंदिश से यूरोप अफ्रीका और लातनी अमरीका में तश्वीश है जहाँ खुराक और ईंधन की कीमतों में असरात सबसे ज़्यादा महसूस किए गए हैं माहरीन का ख्याल है कि अमेरिका यह सब कुछ इसलिए कर रहा है कि इसे और यूरोप को सर्दियों के मौसम में ईंधन की किल्लत का शदीद सामना है और इस दलदल दल से निकलने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो धस्ता चला जा रहा है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के आला रूसी अहदेदारों से खुफिया रबते अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने रूसी सदर के माम से खुफिया खुफिया बातचीत की है इस बात का इंकशाफ रोजनामा माल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी ताज़ा इशात में किया है रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सालेवान ने यूक्रेन के मामले में रूसी सदर के बाद माम से खुफिया मुजात किए हैं रिपोर्ट के मुताबिक जैक सलिवान रूसी सदर के खारजा पॉलिसी एडवाइजरी यूरी युशाकोफ को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई पैथ्रोशेफ से रबे किए हैं वाल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूसियों के साथ खुफिया मुखरत का मकसद बहरान यूक्रेन के हल के लिए सफारती चैनलों को खुला रखना बताया गया है ये दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीका जंगे जंग यूक्रेन के बहाने रूस के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा है अमरीका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जुम्मे के रोज़ कैफ में यूक्रेन के सदर विलादिमिर जेलनस्की से भी मुलाकात की थी ये थी अब तक की अहम खबरें इसी के साथ ही अबू बुजुर्ग को इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद